Hi guys, welcome to another video. मैं हूं आपका होस्ट ओमी एंड टुडे वी आर गोना सी के मार्केट में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं. एंड इफ यू लाइक टू मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, यू लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, एनएफटीज एंड एनएफटी गेम्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी. स्मैश द लाइक बटन, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. पैसा ही पैसा होगा. Yo, welcome back. So now let's start with our news. So we can see clearly in our news के dot ने lately बहुत pump किया and dot के pump होने के बाद we are seeing a lot of news is coming about dot. तो dot का जो parachain का events है which I've been trying to tell you guys for a long time now, ये वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है and they have already announced the date as well. तो हमारे लिए interesting बात ये है कि the date is going to be on 11th November. That's the reason we're seeing के dot जो है वो पंप करना ऑलरेडी शुरू हो गया है. सो डोंट फोमो राइट नाउ एंड डोंट बाय द ग्रीन कैंडल ऑफ डॉट. ट्राई टू बी पेशेंट. थोड़ी सी करेक्शन होगी आने वाले दिनों में. देयर विल बी अ शॉर्ट पुल बैक सो यू कैन फिल योर बैग्स फॉर डॉट. मीनवाइल वी ऑल्सो हैव अनदर न्यूज जिसमें न्यू टिकर्स एंड ए आर के फिलिंग शोज बिटकॉइन फ्यूचर्स ई टी एफ अप्रूवल इमिनेंट. तो 18 अक्टूबर को पहली ई टी एफ फ्यूचर्स की मीटिंग है. वी डू होप एक्सपेक्ट कि ये अप्रूव हो जाए बट स्लोली स्लोली द साइंस वी आर सीइंग इन द मार्केट देयर इज अ हाई चांस एंड हाई पॉसिबिलिटी कि ये अप्रूव हो जाएगी एंड इट्स गोना बी अ मैसिव अप्रूवल फॉर द मार्केट. दिस कैन इवन वी सेड यस्टरडे कैन टेक बीटीसी प्राइस टू $1 million टू. यस इट कैन. We see almost 1.1 million people have already signed up for Coinbase NFT wallet. तो कल मैंने आपको न्यूज में शेयर किया था कि you can sign up for Coinbase NFT program that has just been introduced. So as you can see already 24 घंटे के अंदर 1.1 million लोगों ने साइन अप कर लिया है. It was a waiting list program so people have already signed up as fast as they can. So this is another bullish news shows के NFT का trend कितना strong चल रहा है. And don't forget on this Saturday we're gonna be doing Metaverse on our NFT Saturday weekly show. So we're gonna be discussing के Metaverse क्या होती है, how to make it, what's the benefits and we're gonna deep dive and see what is the NFT world. So let's see what else is happening. Billionaires are backing Bitcoin over gold but some say Ethereum is even better. Isme I will take like a middle position. I even like Bitcoin a lot because it's a store of value and I love Ethereum because agar Ethereum na ho to we won't have an ecosystem, we won't have all these blockchains synced together and working for a bigger mission. So considering we are at these levels now, तो इट्स वेरी हार्ड टू चूज. सो आई विल से कि बोथ आर बेटर बट ऑब्वियसली बिटकॉइन इज़ फार सुपीरियर देन ईथेरियम एंड व्हेन इट कम्स टू ईथेरियम इट हैज़ मोर यूटिलिटी. सो दोनों का सही से कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं. जैसे आप अपने घर में अम्मी अब्बू का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इट्स अनफेयर. सिमिलरली इट्स अनफेयर टू कंपेयर बिटकॉइन एंड ईथेरियम अगेंस्ट ईच अदर. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन कॉइन मार्केट कैप एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर टेक्निकल एनालिसिस फॉर टुडे. सो कॉइन मार्केट कैप में अगर हम लोग देखें तो आज डोमिनेंस इज ऑलरेडी एट 45.7 और ईथेरियम इज कमिंग बैक टू द एरियाज वी वांट इट टू बी अराउंड 18 एंड 19. इट्स ऑलरेडी एट 18 व्हिच इज अ वेरी गुड फैक्टर फॉर टुडे. टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें तो 2.37 ट्रिलियन इस वक्त मार्केट कैप है. देयर इज अ वेरी मैसिव इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज ओवर द लास्ट डे. अगर बीटीसी की डोमिनेंस को देखें तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है 0.1%, बट ये 0.1% है सो इट्स वेरी मिनिमल. मतलब एज सच कोई डिफरेंस नहीं है. लेट्स सी ओवरऑल मार्केट की क्या कंडीशंस हैं. सो इफ वी लुक एट द मार्केट इट लुक्स प्रीटी ग्रीन टुडे और वी कैन सी सम मैसिव गेन्स एज वेल. पैसा ही पैसा होगा. ओवरऑल इट लुक्स मोर ग्रीन टुडे. There's hardly some coins that are red. So it looks like ke aaj bahut acha day hone wala hai. As we expected, we're gonna have some correction and now we're seeing market to recover after past 2 days we were having strong corrections and pullbacks. Let's see who are the winners in the last 24 hours. So Telcoin is up about 33%. Polkadot is up another 20%. Kusama is up 18%.
CRV is up about 16%, Waves is up 15%, WeChain, Rev, Chainlink, Protocol, Stellar, Celo, Net Protocol, Filecoin, ICP, Binance Coin, GRT. A lot of coins are performing really well, and as we can see, they're quite up. Let's see who didn't take advantage of the situation. So that's Harmony One, MDX, OK Stacks, OMG, DYDX, Flow, Yearn Finance. Mainly big exchange and company tokens on coins are right now in a pullback, because we've seen K Binance has invested $1 billion into their projects, and that gave them a massive pump over the last 24 hours. And now we're seeing the other exchanges are kind of feeding the heat. So ho bhi sakta hai ke we might see some announcement coming soon ke wo bhi kuch karne wale hain. So Crypto Fear Greed Index, we're at 70. Yesterday also we were at 70. Good to see the website is working back again. Altcoin index mein dekhen to we're at 55. Altcoin year mein dekhen we're at 63. Month is going down and down and down. We're at 8. So the chances of a massive altcoin pump are quite far, especially considering is mahine mein. So let's see what's happening in our charts. So let's start with BTC ki dominance. BTC ki dominance we've been seeing in the past 24 hours went up and then it came down, created a similar double top, one and then two. So created a nice double top situation here. We still have to monitor and see how it goes. We see the similar trend here, then it went up and then it's been sideways. It's trying to consolidate from my yellow line that was resistance before, now it's using it as support. So let's see what is happening in Ethereum's dominance. So Ethereum ki dominance we saw was here yesterday. Slowly slowly it's creeping up. Slowly slowly Ethereum is gaining momentum. Ethereum kal niche bhi chala gaya tha. Now it's gained back up quite fast. So BTC ko dekhte hain. BTC in 1 hour got rejected from our trend line. So this was expected. Obviously it had to face some rejections here. It got rejected about 58,400. Yeah, the high was about 58,16. Yeah, 532. So interestingly, we got rejected here. Ab hum log dekhte hain ki ye kin zones mein jayega. Yesterday we expected ki yahan se thoda sa pullback ho, but it didn't. The market instead went up and we had a nice breakout from here. From in these zones, we had a nice breakout. Now we're rejected from here. I'm expecting maybe hum log yahin pe kahin consolidate ho jaye in this region. About here. Yep. Let's see what is happening in Ethereum. So Ethereum did break out from our resistance zone and now it's back up, but abhi bhi isko bahut sari resistance ka samna hai, and let's see whether it will be able to have a nice strong run. Abhi to it needs to consolidate here, turn this resistance into support, and then only it can continue its upward journey. ADA, we've been seeing that ADA has been trying to make some moves, but lately ADA is still stuck in our support zone for past few while. If you look at it, almost we are here since 19 September. We've been trading in these zones. ADA has been very very slow. Not much movement from ADA. RB is very well performed. Another coin now is taking pump from our support. Is resistance to support bana liya yellow line ko, and now it's pumping from there. AXS is also gaining some momentum. I'm expecting another quick breakout to come very soon in AXS, because AXS has been sideways in this zone after reaching these highs. Isse niche ka bhi support level test karke bana liya hai. Now it's been consolidating in these zones a lot. If you see this line, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is the 7th time. So we might expect a breakout in AXS over this weekend or anytime soon. Solana is also coming back into these ranges. Nice to see Solana getting some momentum. Solana bhi bahut slow ho gaya tha. Slowly slowly Solana is picking up. AVAX, I've been seeing ki kal raat se thodi bahut momentum mein aa gaya, went down, even broke our support level, and now slowly picking up its momentum. Agar abhi bhi hum isko dekhen to it's in a good place to buy. You can DCA your buyings from here. Yahan se DCA kare yahan tak, theek hai, ya agar yahan se niche aaye to fir yahan se niche tak. BNB में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंप आया है. BNB हम लोग देख रहे हैं अपने सपोर्ट जोन से निकला है और निकलते साथ ही BNB जो है वो फुल क्रेजी हो गया है, क्योंकि कल बहुत बड़ी खबर थी BNB से रिलेटेड. सो वी कैन सी हियर के BNB इज नाउ ऑलरेडी
ट्राइंग टू मेक न्यू सपोर्ट्स. केक ने भी इसी जोन के 19-20 के दरमियान चलता रहा कल पूरे दिन. एफटीएम भी बम कर रहा है, एफटीटी इज परफॉर्मिंग वेल. ओवरऑल अगर लेट्स सी, डॉट डॉट इज नाउ इन पुल बैक करेक्शन मोड ऑलरेडी, एक्सपेक्टेड था क्योंकि इतने टाइम से पम्प कर रहा था. एज वी कैन सी नाउ इट्स क्रिएटिंग अ जोन हियर, सो लेट्स मेक अ न्यू जोन. विल टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रिंग इट टू द विग एंड विल चेंज द कलर फॉर दिस वन टू पर्पल. सो इफ वी कीप लुकिंग हियर, आई सी के डॉट इज इन अ वेरी वेरी नाइस जोन. There's a very strong chance if we look into a day frame, okay, dot might just explode further. If we see it's taking support here, got rejected from there. There's still a lot of places for dot to actually gain. Abhi bahut sara momentum hai gain karne ke liye dot ke liye. Link just pumping, just started. Past 2 days se momentum gain kar raha hai. Link looking very good. ये देख सकते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना रहे हैं. लेट्स ड्रॉ अ नाइस ट्रेंड लाइन. सो यप, देयर वी गो, अ वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन. नाउ वी कैन टेल कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा होगा कहीं पे तो वी विल कम डाउन. फॉलो किया करें, ये लाइन आप लोग भी बना लें. वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग आउट माई कोर्स, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट कोर्स एंड इट विल बी लाइक एन आवर और 45 मिनट्स कोर्स. You can join that course, learn everything basics about cryptocurrencies, and it will really help you while you trade. And let's see what is happening in Doge. आज थोड़ा charts पर time गुजारते हैं. तो Doge reject होके support zone से फिर से नीचे आ गया. I don't recommend buying Doge anytime below that, क्योंकि अगर वहाँ से pump नहीं लिया तो you will be stuck in your investment. And like we say, हमें stuck नहीं होना है. Luna is doing pretty well. Like हम बोलते हैं हमें stuck नहीं रहना है इस market में. लूना में भी एक अच्छा पंप आ रहा है. वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये थोड़ा और ऊपर चला जाए. C98 इज इन अ पुल बैक. यस्टरडे वी सॉ इट वाज पंपिंग. LTC इज लुकिंग गुड. मीना इज ऑल राइट. SLP को भी देखते हैं. ओके, SLP अभी भी हमारे सपोर्ट जोन में है, सबसे नीचे वाले. वी चेन को भी देखते हैं. वी चेन ने बहुत अच्छा पंप निकाला है हमारे सपोर्ट जोन से पंप करके. अभी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है. CRV ने भी बहुत अच्छे गेंस किए हैं. सो डू लेट्स चेक आउट CRV. ये देख रहे हैं, ये जोन हमने पहले के बनाए हुए थे. CRV ने यहाँ से पंप लिया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, एक और लो बनाया एंड नाउ इट्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ये पंप फ्रॉम 2.5 टू ऑलमोस्ट 3.1. CRV इज लुकिंग वेरी गुड. आई एक्सपेक्ट यहाँ से रिजेक्शन होगी थोड़ा यहाँ है. इफ़ यू डू वॉन्ट टू बाय बैग्स, बाय समवेयर हियर, डोंट बाय ऑन द टॉप. एंड एलिस इज लुकिंग गुड. Zill is also looking good. Zill ने भी बहुत अच्छा पम्प दिखा लिया है. मेनली सारे कॉइन्स जो हैं आर परफॉर्मिंग रियली वेल टुडे. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक प्रॉफिट्स, बट कोशिश करें कि इनको थोड़ा और पम्प करने दें. वी वॉन्ट टू गो टू हायर लेवल्स एंड देन टेक प्रॉफिट्स. EGLD भी अच्छा लग रहा है, FTM भी अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा साइडवेज हुआ हुआ है अभी के लिए, बट एटलीस्ट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम आर सपोर्ट जोन एंड चीज़ें नहीं तोड़ रहा. सो लेट्स सी, BTC की एक असेसमेंट देखते हैं. एंड आई थिंक BTC माइट जस्ट कम डाउन टू आइदर इवन दिस लेवल. तो यहाँ पर अभी हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं. अगर लेवल्स नीचे आएंगे वी विल एडजस्ट इट लेटर, बट ओवरऑल BTC इज लुकिंग गुड. सो इफ यू लाइक टूडेज वीडियो गाइज, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्मैश द लाइक बटन, शेयर योर थाट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय गाइज.